फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, सुबह के बज रहे हैं 8 और बारिश भी स्टार्ट हो गई है मुंबई में। तो हम लोग हैं 3 और हमारे पास अम्ब्रेला है 1। तो ज़ेबा आगे आगे जा रही है ज़ेबा आगे आगे जा रही है क्योंकि चलो उसने कैप पहनी हुई है और बहुत तेज़ बारिश नहीं है, पर रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई है। हाँ बेबो। सो गाइज, आज का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं, आज संडे है तो आज मैं भी खा सकती हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करने हम जा रहे हैं ईट अराउंड द कॉर्नर, जो कि है बैंड्रा में। एक भी रिक्शा नहीं दिख रही है अभी तक, रिक्शा से जाएंगे। रिक्शा से क्या होता है कि जल्दी पहुँच जाते हैं और वो 11 बजे तक ही खुलता है, तो अभी 8 बजे है, तो हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं वहाँ पर। 45 मिनट्स मुझे पहुँचने में भी लगेंगे वहाँ। तो बस वहाँ पर जाते ही ईट अराउंड द कॉर्नर ब्रेकफास्ट का ही है मेनली, जितना अभी तक मुझे ज़ेबा ने बताया। खाली है भैया बैंड्रा? चलो रिक्शा तो मिली है। तो गाइस, रिक्शा मिल गई है और अब जा रहे हैं हम लोग ईट अराउंड द कॉर्नर। ज़ेबा वहाँ पर खाली ब्रेकफास्ट मिलता है? सब मिलता है, पर ब्रेकफास्ट 11 बजे तक ही मिलेगा। तो वहाँ की क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं मैं आपको दिखाती हूँ, पहले पहुँच जाऊँ। पहुंच गए हैं हम ईट अराउंड द कॉर्नर और इतनी सुबह भी लोग आते हैं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आ रही होगी जो कि ब्रेकफास्ट करने आ रही हूँ ईट अराउंड द कॉर्नर। आओ ज़ेबा, इधर से आओ। सो ये है ईट अराउंड द कॉर्नर और यहाँ पे तो भाई लाइन लगी हुई है। बैठने का तो अच्छा है इंतज़ाम। दिस इज द ब्रेकफास्ट। मेन्यू नहीं है यहाँ, अच्छा यहाँ मेन्यू नहीं है, ये इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा सर। तो गाइस मैं पहले ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। गाइस पूरा ब्रेकफास्ट का ही सब चीजें हैं यहाँ पे। देखो कौन सी कॉफी पीनी है, नॉर्मल कॉफी, टी बैग्स, और हम भी कॉफी पी ले। और बेबो के लिए भी कॉफी। नींद आ रही है बेबो को सुबह सुबह उठ के आई है। ये मेरी कॉफी क्रोसो, और ये क्या है ज़ेबा? स्पाइरल क्रोसो। और ये पैनकेक, फ्रेंच टोस्ट। तो गाइस आ गया है हम लोगों का नाश्ता भी, एक दो तो गाइस आ गया है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, अभी एक दो चीज़ें रह गई है। तो ये है बच्चा पहुँचेगा, तो ये है क्रोसो, स्पाइरल क्रोसो, सम फ्रेंच टोस्ट एंड ज़ेबा की कॉफ़ी, और ये बेबो की कॉफ़ी, और ये मेरी कॉफ़ी। अभी क्या बाकी है? आलमंड नहीं, चिया बेरी योगर्ट।
चिया बेरी योगर्ट बोल बाकी है अभी, उससे पहले मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाए तो मैं पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, मुझे वो आएगा तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो दैट्स वेरी गुड, लाइक अच्छा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट का। हमने कोई भी ऐसी स्पाइसी चीज़ भी मंगाई है, क्योंकि हम लोगों में से किसी को भी नहीं पसंद है सुबह सुबह ऐसे स्पाइसेस खाने का। तो लेट मी इन्जॉय माई ब्रेकफास्ट गाइस। ये है योगर्ट बेरी चिया बोल, बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में। तो हाँ जेबा, ये सारा ब्रेकफास्ट आज जेबा ने मंगाया है, जितना भी सब कुछ मंगाया है, और आज संडे है तो मैं भी खा सकती हूँ बहुत आराम से। ब्रेकफास्ट करना है, अच्छा ब्रेकफास्ट करना है तो यू कैन कम हियर। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सारी जो भी मैंने आपको सब दिखाया बहुत अच्छा था। और यहाँ से अब हम लोग प्लान कर रहे थे कहीं बीच पे चलते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बांद्रा में हैं तो कार्टर्स जाएंगे या तो, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद विल ट्राई वड़ा पाव, अगर मिल जाता है तो वड़ा पाव खाएंगे। बेबो का बने कि मैं वड़ा पाव खाने का मन है ना, तो बस यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। तो कार्टर्स में बारिश होने लगी है मुंबई में, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बेबा मुझसे लड़ रही है, मैंने बोला मेरे को आज का ही दिन मिलता है बस, खाली संडे का, जो मैं थोड़ा लेट तक सो जाती हूँ गाइस, अदरवाइज मैं 6:30 उठ जाती हूँ, 7:30 तक जिम के अंदर होती हूँ, तो मुझे आज का ही दिन मिलता है। हाँ बेबो, मैं जेबा को बोल रही थी कि मुझे आज का ही दिन मिलता है खाली, और सुबह सुबह, और मैं इन लोगों से आज भी मैं 6:30 उठी हूँ, और इन लोगों को मैंने उठाया कि चलो, क्योंकि बांद्रा मतलब लाइक इट्स क्वाइट फार फ्रॉम माई होम, मतलब 45 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने में, यहाँ पर पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं। हाँ फिर तो सेवा ने ना ब्रेकफास्ट मंगाया, काफ़ी अच्छा था ब्रेकफास्ट, तो मैंने उसको बोला कि सारा तूने थोड़ा थोड़ा स्वीट ही सब मंगा लिया, तो मुझे बोल रही थी आज भी तो मंडे खाओगी क्या, आज आज तो संडे, आज मंडे मत खाओ। मुझे लगा हाँ यार कह तो सही है, आज तो अंडे नहीं खाने। तो गाइस अभी किसी का भी वॉशरूम उसका वेट कर रही हूँ ना, और उसके बाद निकलते हैं, घर तो नहीं जाना है क्योंकि अब नींद नींद आने नहीं वाली है हमें, है ना। तो अभी हम लोग कार्टर्स जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या है। आज थोड़ा सा सी दिखा दिया जाए आपको, जब से आई हूँ तब से, हाँ तब से समुंदर के नज़ारे नहीं किए हैं हमने, तो अब कर लेते हैं क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा हो गया है, तो फिर बाद में जाने भी नहीं देते जब बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो लेट्स गो। अतू क्या कुछ दे देना खाने को, कुछ मिलेगा नहीं है हाँ, कहाँ कल जेबा को पैलेडियम में पीनी है पॉल की कॉफ़ी, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड थी इन लोगों की, जो कि सारी पूरी करनी पड़ रही है। तो गाइस कार्टर्स गए थे, तो कार्टर्स पे उतना कुछ मिल नहीं रहा था, मतलब जैसे वड़ा पाव खाने का मन है तो वो नहीं मिल रहा था। अभी हम लोग आ गए हैं शाहरुख खान के घर के सामने, पास में ही है वो भी कार्टर्स के, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ मिलता है अगर तो, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा। और ये है यहाँ का नज़ारा, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी, ये लोग मेरे को छोड़ छोड़ के चलती है, छिड़ती है ये लोग की, मतलब ब्लॉगिंग क्यों कर रही है, ब्लॉग मत बना इंजॉय कर, तुम यही चक्कर में मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही इतने दिनों से।
वो एक दुकान दिख रही है, वहाँ पे देखते हैं वड़ा पाव मिलता है क्या। कचरा भी बहुत है भैया, क्लीन रखा करो भाई, इतनी गंदगी क्यों करते हैं सब लोग। गाइस ये भी बहुत अनहाइजीन लग रहा है मुझे तो। हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं पर आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ कुछ खाने वाली हूँ, बहुत अनहाइजीन है। कहीं अच्छी जगह पे मुझे अगर वड़ा पाव दिखेगा तो हम लोग खाएंगे, अदरवाइज नो। जस्ट सिटिंग हियर एंड एंजॉयिंग। सुबह के बज गए हैं 10:30 और 10:30 बजे भी शाहरुख खान के घर के सामने तो लोग खड़े ही हैं भाई। 10:30 बजे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं इधर बैठी हूँ तो 10:30 बजे भी भाई शाहरुख खान के घर के सामने तो हर टाइम लोग खड़े रहते हैं, क्या स्टार्डम है। तो गाइस निकल गए हम अभी बैंडस्टैंड से, मतलब शाहरुख खान के घर के सामने से हम लोग निकल गए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग जू। यहाँ पे तो वड़ा पाव मिला नहीं, उतना अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद में ना बेबो को वड़ा पाव खाना है, और सही बताओ तो मुझे भी खाना है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं जू, और जू में जो लास्ट मैंने 18 कम्यून का ब्लॉग बनाया था उसके सामने एक बीच है, वो बहुत ही अच्छा और क्लीन बीच है। यहाँ पे ना गंदगी बहुत हो रही थी, मुझसे बैठते हुए नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ खाने पीने का मिलता नहीं है, फिर उसके आगे एक बीच और है, फिर वो वाले बीच में शायद वड़ा पाव मिल जाएगा बेबो। हाँ तो आज का स्ट्रगल चल रहा है वड़ा पाव मुंबई में, तो लेट्स सी। 2000 years later. इसी जगह पे मिल रहा है वड़ा पाव। ये दोनों यहाँ खड़ी हो गई, बोलती तुम जाके लेके आओ, तो लेके आती हूँ मैं। मेरा वड़ा पाव देना 3 पार्सल। और ये क्या है, भजिया ना, और ये भी दे दो। हाँ पार्सल देना। जेबा एक एक वड़ा पाव लू ना, 3 लू ना, पार्सल देना, भजिया भी और वड़ा पाव। सो दिस इज फेमस मुंबई का वड़ा पाव। सब ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को वड़ा पाव खाना है अभी बारिश में। तो गाइस मिल गया हमें वड़ा पाव। अभी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग वड़ा पाव, जा रहे हैं जू। कैसा वड़ा पाव, बहुत स्ट्रगल करके मिल गया, मगर मुंबई है, मुंबई में वड़ा पाव ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है। बस ये कि हम लोग को पता नहीं होता कि कहाँ मिलेगा अच्छा, तो मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने दिलाया। इंजॉय कर लेती जरा, आज संडे मेरा खाने का दिन रहता है। इंजॉय गाइस, आ गए हम लोग अभी जहाँ वेलकम टू द बीच, ये ना उसके ही सामने है, लास्ट जो मैं 18 कम्यून गई थी ना उसके सामने है ये बीच। इतना क्लीन था, मैं लास्ट टाइम आई थी, और इसकी हालत देखो क्या हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये वही बीच है। और मैं इन लोगों से कह के लाई थी कि मैं तुम्हें एक बीच लेके चलूँगी जो बहुत क्लीन है, मगर अब इसकी हालत देखो आप क्या हो गई है। इतना गंदा क्यों करते हो भाई, इतना गंदा मत करो बीचेस, एक भी बीच मुंबई में अच्छा नहीं बचा है। हाँ एनीवेज सो यहाँ से अच्छा दिख रहा है। जेबा का फोटो शूट ही नहीं खत्म होता है, उसको कौन से स्टाइल में फोटो चाहिए होते हैं पता नहीं है। एयरपोर्ट पास ही है यहाँ से, तो प्लेन आते जाते दिखते रहते हैं। बेबो इसका फोटो शूट हो गया नहीं है ना, तो कभी पसंद ही नहीं आती है। अगर तुम मेरे से खींचेगा तो मुझे खिला दो। मुझे तो बिल्कुल शौक ही नहीं है, मेरा तो ये मार मार के फोटो खिंचवाते हैं, क्लिक कर लो एक फोटो। गाइस अभी भी मैं सोच रही हूँ कि कहीं और चलते हैं, क्योंकि घर जाके क्या करेंगे, संडे है वैसे भी, कर देंगे क्या, और वैसे भी क्या करते हैं,
ठंडे है तो क्या हुआ? ओके गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर और मुंबई का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मतलब इन लोगों का आना ना, मतलब वो होता ना, सफल हो गया है बिल्कुल। बस आज की यही सुबह थी मेरी और काफी थक गई हूँ मैं। कहाँ नहीं घूमे आज हम, और बहुत मजा भी किया और बहुत खा भी लिया। संडे चीट भी बहुत हो गया। अगला व्लॉग कुछ और बनाऊंगी इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, फिट रहिए। संडे खा सकते हैं, अगर कोई पहली बार मेरा व्लॉग देख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं बहुत हेल्दी खाती हूँ, तो हेल्दी खाइए, फिट रहिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।